आप बैठे हैं, कॉफी आता है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं आप और मिलने की वजह जान सकता हूँ? मेरा नाम चौधरी अकबर है और ये चौधरी असलम मेरा भाई। जी जी, आप चौधरी हाशिम से तो बखूबी वाकिफ होंगे। क्यों नहीं, हमारा बेहतरीन दोस्त, बचपन साथ गुजारा है हमने, सगे ताए हैं हमारे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप चौधरी इकराम के बेटे हैं। ताया जी ने हमारी परवरिश बड़े प्यार और मोहब्बत से की है, वो तो आप जानते ही हैं। जी। उनकी बेटी सफिया, जो मेरे भाई असलम की मांग भी थी, उसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। एक मिनट, मैं सब जानता हूं, इसलिए इस किस्से के बारे में कोई बात ना कीजिएगा, वरना हमें बहुत तकलीफ होगी। सफिया ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन बैरून मुल्क जाने से पहले चौधरी हाशिम ने उसे माफ कर दिया, बल्कि उसे तलाश भी करते रहे। खुदा जाने वो इस दुनिया से मुंह मोड़ बैठी है, लेकिन इसका सबूत नहीं है कोई। जी, हमारे लोग जो उनका ताकुब कर रहे थे, यकीन दिलाया है कि वो मारी जा चुकी है। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? तायजन के ड्राइवर ने बताया है कि तायजन की आखिरी मुलाकात आपसे हुई है और उन्होंने आपको कोई अमानत भी सौंपी है। उस अमानत से आपका क्या ताल्लुक है? मेरे कहने का मकसद है कि आप वो अमानत हमारे हवाले कर दें, उस जमीन के कागजात वगैरह, मालकियत वगैरह हमें मिलनी चाहिए। ये कागजात चौधरी हाशिम की बेटी सफिया की मिल्कियत है, वो जिंदा है या नहीं इसका अभी कोई सबूत नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता वो ना आई तो भी ये कागजात आपके हवाले नहीं किए जा सकते, क्योंकि चौधरी हाशिम की वसीयत के मुताबिक उनकी बेटी की गैर मौजूदगी में ये उनके हारियों की मिल्कियत है। मगर दलीलें सुनने का मैं आदी नहीं, वसीयत और अमानत की हिफाजत हमारा ईमान है। आप तशरीफ रखिए, मुलाजिम आपकी खिदमत और खातिर मदारत में कोई कसर नहीं उठा रखे। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।